भाजपा विधायक मुकेश यादव ने एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ लोगों को मुद्दों से भटकाना जानती है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री है। थके हुए मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उनके साथ सरकार बनाया ताकि बिहार की तरक्की हो सके। सरकार बनते ही उन्होंने एक साथ बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देखकर पूरे देश में इतिहास रच दिया। यही वजह है कि बिहार में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और एनडीए जीरो पर आउट होगा। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग को कोई मुद्दा जनता के लिए, जनता से जुड़े सवालों से लोगों को भटकाने के लिए ही एजेंडा। हमेशा आप 10 साल से सत्ता में हैं, देश की हालात क्या है, किसानों की हालात का किस स्थिति में है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, इस पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं, न उनके चुनावी मुद्दा में रहता है। चुनाव में या राज्य के चुनाव हो या देश के चुनाव हो, चुनाव लोगों के हित के लिए, जनताओं के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और मुद्दा इस पर होनी चाहिए। लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो हमेशा हमेशा धर्म के नाम पर मुद्दा विहीन बात करते रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव में जो वादा किए थे, विधानसभा के चुनाव से पूर्व हमारे एजेंडा में था, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। किसी कारणवश, सरकारी तंत्र के कारणवश हमारी सरकार नहीं बनी। कुछ दिन के बाद हम लोग 17 महीने के लिए सरकार में, गठबंधन की सरकार में आए, और उस सरकार में आने के बाद बिहार ही नहीं, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़वाया, जातिगत जनगणना गणना करवाकर किसकी संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित किए। आज भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री भाषण में कहते हैं कि हम 4000 पार कर जाएंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि लोकसभा का कितना सीट है, और वो नर्वस हो चुके हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो उससे जनता को क्या उम्मीद हो सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार ही नहीं, देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, यह चुनाव नहीं, यह आपके बच्चों के भविष्य, आपके आने वाले पीढ़ी के भविष्य तय करेगा। इसलिए सभी लोग से आग्रह है कि आप चुनाव में, हमारे नेता फिर इस चुनाव में मुद्दा रखे हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे देश में। और बिहार ही नहीं, जो बिहार में उन्होंने करके दिखलाया है, उसी तर्ज पर पूरे देश के नौजवानों को सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है, और खास करके बिहार में महागठबंधन की बिहार चल रही है, और हमारे नेता सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को टिकट देकर उनको सम्मान देने का काम किया। लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो इस बात का जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? पूरी तरह आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, वो अब कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं ख़त्म होगा, तो उन्हीं के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी है पार्लियामेंट में, वो वक्तव्य था उनका कि संविधान, मैं आरक्षण का कतई समर्थन नहीं करता हूँ, उनका वादा है प्रधानमंत्री जी का। अभी भारतीय जनता पार्टी को जो पहले से लोकसभा सदस्य है उनका स्टेटमेंट आया है, जो संविधान के बदलने की जरूरत है उनका स्टेटमेंट आया है, जो हमारा जूता साफ करने वाला भारतीय जनता पार्टी के बड़ी नेताओं का आया है, जो हमारे जूता का साफ करने वाले लोग आरक्षण के माध्यम से हमारे सर पर चढ़ के बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है?
अभी मैं वैसे लोगों को उनको इंगित करना चाहता हूँ लोगों को कि बाबा साहब के संविधान में आज जो बाबा साहब के संविधान में लोगों को जो सम्मान मिला और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेता पूरी तरह कृत संकल्पित और हम लोग काम की बात करते हैं। अब एक वीडियो अभी देखे हुईगा, हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी मानसिक जो स्थिति क्या है उसको टेस्ट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर से मछली का उन्होंने वीडियो खाकर उन्होंने डाले थे, और डाले थे कब, जब 8 तारीख जब नवरात्रि नहीं होता उस समय डाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग को देखिए, सिर्फ धर्म धर्म से जोड़ने के हिंदू मुसलमान से उससे ज़्यादा लोग सम्मान करता है किसी धर्म को, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकी करते हैं, कह रहे थे नवरात्रि में तेजस्वी जी मछली खाए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तुमको भी नहीं पता है नवरात्रि 9 तारीख को होता है, तुम्हारा मुद्दा ही लोगों को मुद्दा से और जो लोगों के लिए देश के लिए राज्य के लिए हित के मुद्दा है उससे विचलित करने के लिए तुम्हारा मुद्दा रहता है। जनता के लिए अभी महंगाई देश में त्रस्त, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। अभी 1000 जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उस समय 300-350 रुपये गैस सिलेंडर था, आज गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये हो चुका है। उस समय बालू प्रत्येक CFT 2018 से 2000 CFT बालू की कीमत थी जिससे गरीबों का घर बना था, उस आज बालू के CFT 5000 से 7000 रुपये प्रत्येक CFT हो चुकी है। उस समय सीमेंट की कीमत 120 रुपये यूपीए गठबंधन की सरकार में थी, आज सीमेंट की कीमत करीब 500 रुपये हो चुका है। इस पर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान नहीं देंगे। यह देश में पहला इतिहास से पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब खाने पीने के लोग सामान पर भी GST टैक्स देना पड़ता है, जो हम अपने उपजाते हैं उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ेगा, दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके जुमला में अब बिहार और देश के लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं एक बिहार बही है, और हमारे नेता सभी समुदाय को देखिए, अभी आप सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू जी यहाँ से MP थे जो बैस समुदाय से आते थे, उनका टिकट काट दिया गया। टिकट किनको मिला है जान रहे हैं सब लोग। बगल में शिवहर से रामा देवी बैस समुदाय के हैं, उनको टिकट काट दिया गया है, टिकट किनको मिला है। सब लोग पर बारी बारी से हमला होने वाला है, अभी अगर नहीं अभी समझा तो उनके आने वाले पीढ़ी को इसकी भुगतनी पड़ेगी, खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सभी लोग से मैं आग्रह भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जात के हक की लड़ाई अगर कोई देश में राज्य में लड़ सकता है, यहाँ लड़ सकता है, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी लड़ सकता है, जो सभी लोगों के लिए और देश में UPA गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ही सब लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारा चुनावी स्टैंड भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। वह उनके नेता कहे थे 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, क्या दिया, 10 साल हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए, 50 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया देश में। और उन्होंने कहा, उनके नेता और जो बड़े डपोरसंखी गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका स्टेटमेंट आया था, हम तो चुनावी जुमला है, अरे लोगों से तुम थकता है, लोगों का खून पसीना के वोट लेता है, तुम थकता है, चुनावी जुमला है। अभी अगर लोग भारत के लोग अगर नहीं संभलेंगे तो इसका भुगतना उनके आने वाले पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। बार बार 400 पार करते हैं, एक एक लोकसभा क्षेत्र, अभी 4 चुनाव हो रहा है, 4 लोकसभा क्षेत्र में, एक एक चुनाव क्षेत्र में योगी से लेकर मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर सभी लोग उतर गए हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भय है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोगों का विश्वास जगा है, चाहे वो किसी जाति के हो, नौजवान उनको उम्मीद है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में भी सरकार बनेगी तो हम लोग का भविष्य उज्ज्वल होगा, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसलिए कहीं इंडिया गठबंधन की अता पता नहीं है, सभी जगह इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, चारों सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है।